हे दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक गेस्चर क्लिक किया और मैं अपने उसी एप्लीकेशन में से ही दूसरे एप्लीकेशन में तुरंत पहुंच जा रहा हूं बिना कोई बैक किए होम बटन दबाए। आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ एक गेस्चर सिलेक्ट कर रहा हूं और ये अपने आप ही वहां पर पहुँचा दे रहा है। सो दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप इसको कैसे चला सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है। बाकी पहले मैं आपको एप्लीकेशन को यूज़ करना सिखा देता हूँ, बाद में आपको डाउनलोडिंग करना आपको बता दूंगा। सो गाइज, अब आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपका सेटअप आएगा वो है दो, जिसमें दो आइकन बने हुए आएंगे। पहला है क्रिएट गेस्चर और दूसरा है गेस्चर लिस्ट। आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से ही गेस्चर सेट कर रखा होगा तो ये लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितने गेस्चर सेट कर रखे हैं। तो मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया, मैंने इस समय 4 गेस्चर सिलेक्ट कर रखे हैं। अब क्या करना है, मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो बना रखा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग अगर पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑब्वियसली इसको एक नया गेस्चर बना के रखना होगा। तो चलिए, मैं क्रिएट गेस्चर पे जाता हूँ। इसमें 6 ऑप्शन है, बट मैं 6 ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, मुझे आपको बताना है एप्लीकेशन के बारे में। तो आपको ओपन एप्लीकेशन में जाना है और कुछ ऐडें आएंगी दोस्तों, ऐड आप हटा दीजिएगा क्योंकि मेरा नेट से कनेक्ट है इसलिए। तो दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि आप वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करो जिस एप्लीकेशन को आप गेस्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं कोई एक ऐसी एप्लीकेशन ले लेता हूँ जो मेरे काम की हो, जो मुझे शॉर्टकट चाहिए हो। तो मैं अपना सिंपली एक व्हाट्सएप ले लेता हूँ। तो ये मैं अपना एक व्हाट्सएप ले लिया है मैंने गाइज। अब ये बोल रहा है गेस्चर सिलेक्ट करो, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा ओ बना देता हूँ। तो अब ओ करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ और ये हो गया हमारा ओ। बार बार डन कर, आपको डन करते जाना और आपका गेस्चर हो गया तैयार। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। मान लीजिए मैं इस एप्लीकेशन में एंटर हूँ, आपको यहाँ पे ये आइकन दिख रहा होगा। तो अब क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ओ बना लीजिए और आप देखेंगे मैं सीधा व्हाट्सएप में एंटर कर जाऊँगा। अब देख लीजिए, आपको पूरा प्रूफ दिखा दे दोस्तों कि मैं सीधा चुपचाप अपना सीधा उसमें व्हाट्सएप में एंटर हो गया। अब मान लीजिए मैं दोबारा गेस्चर खोलता हूँ, मुझे यूट्यूब में जाना है तो मैं यूट्यूब का बना देता हूँ एक बार। और अब आप देखेंगे कि मैं YouTube में एंटर हो गया। अब मैं ई बनाऊंगा तो एस वाले एक्सप्लोर में चला गया, और अगर मैं यू बनाऊंगा तो ना जो म्यूज़िक प्लेयर होता है मैं उसमें एंटर हो गया। सो दोस्तों, मुझे बस यही बताना था कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा और बार बार होम का बटन दबाने की झंझट खत्म और बैक बटन दबाने की झंझट खत्म हो जाएगी। आपको काफ़ी ईजी होगा, आप किसी भी एप्लीकेशन में रन करते हुए भी आप इस एप्लीकेशन को रन कर पाओगे। तो दोस्तों, अब बताता हूँ उसको डाउनलोड कैसे करना है। सो गाइज, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में और जैसे ही प्ले स्टोर आपका खुल जाए आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्लिक करना है और आपको एक गेस्चर बनाना है। जैसे ही गेस्चर लिखेंगे आप तो गेस्चर मोबाइल आपको लिखना होगा। आप जैसे ही लिखेंगे आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है और जो सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी जो कि ये वाला आइकन है, आप देख लीजिए अच्छे से, गेस्चर मोबाइल कंट्रोलर। आपको बस गेस्चर मोबाइल लिखते ही ये एप्लीकेशन आ जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए रोज इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं हम कल। नमस्कार, बाय बाय और सलामत रहे।